हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगर एक इन फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सीखने के लिए, ये फैशन डिज़ाइन पार्ट फाइव है। ठीक है, तो पार्ट फाइव में क्या क्या रहेगा ये तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को कैसे इसको यूटिलाइज करना है इस कोर्स में मैं ये बताऊँगा। ठीक है, यानी कि ये फिफ्थ क्लास है। जो लोग घर में बैठकर ऑनलाइन सीख रहे हैं हमसे, उन लोगों को बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है। तो चलिए, आप लोगों को सभी को थैंक्स कह रहा हूँ। आप भी तो हमें थैंक्स बोल रहे हैं, तो हमें भी थैंक्स कहना है आप लोगों को। आप लोग इसी तरह आपका वक्त हमें दे रहे हैं सीखने के लिए, तो इसलिए थैंक्स। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के कोर्स के। तो फर्स्ट आपको क्लास फाइव में क्या करना है, मेकिंग डिज़ाइन विद ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग। ठीक है, तो मेकिंग डिज़ाइन विद ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, इसका मतलब है मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को डिज़ाइन कैसे करना है उसको सीखा है आप लोगों को, और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया ताकि आप लोगों को ढूंढने में बहुत आसान हो। तो उसमें आप लोग किस तरीक़े से डिज़ाइन तैयार करते हैं आप तो सीखी है। तो आज इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, नेट से आप कोई भी डिज़ाइन ले और उसे करिए और खुद कोई डिज़ाइन बनाए। ठीक है, यानी कि पहले आप कॉपी करना सीखिए, उसके बाद अपने अंदर से जो क्रिएशन होगा वो क्रिएट करिए, और उसे जैसे डिज़ाइन किस तरीके से तैयार करते हैं उस तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। यानी कि मैंने किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं ए टू जेड, यानी कि जो प्रोसीड्यूर बताया उसको यूज़ करना है इस जगह में। और ये मैंने वन पॉइंट रखा है इसलिए, मेकिंग डिज़ाइन विद ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग। ठीक है, ताकि आप नेट से कोई डिज़ाइन लो और अपना कोई डिज़ाइन करो तो उसका पूरा स्टिचिंग तक करो। दूसरा फ्रेंड, फ्रॉम डीप नेक टू हाई नेक, यानी कि बहुत लोग बोलते हैं सर हमारे पास हाई नेक का पैटर्न नहीं है, तो अगर बोट नेक हो तो कैसे करें। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये मैंने कोर्स इसके अंदर दे दिया है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि आपके पास अगर डीप नेक पैटर्न हो, कोई भी डीप नेक, यानी कि बैक में डीप होता है, फ्रंट में भी डीप होता है, अब उसी से आप हाई नेक पैटर्न खुद ही तैयार कर सकते हो आप लोग। ठीक है, वो तरीका इस पॉइंट में होगा। ठीक है, और इससे आप इस वीडियो देख कर आप बहुत आसानी से सीख पाओगे। ठीक है, और पार्ट थ्री पॉइंट है फ्रेंड, पुटिंग पैडेड टू ब्लाउज, यानी कि मैंने किस तरीके से ब्लाउज में पैड लगा। पिछले वीडियो में एक हाई नेक पैडेड ब्लाउज मैंने आप लोगों को दिखाया, और इसमें फ्रेंड मैंने एक लिंक रख रहा हूँ ताकि आपको पैडेड से जुड़ी हुई बहुत सारा लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है पैड लगाने का, वो सारे तरीके इसके अंदर आपको मिल जाएगा और आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और पॉइंट नंबर फोर में रखा है फ्रेंड, एनी डाउट देन प्रॉब्लम एंड फिक्स, यानी कि आपके पास आप वन टू थ्री फोर फाइव, इसी तरह जो फाइव क्लास आप लोग करेंगे उसके बाद तो आप लोगों को प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगा, वो कैसे सॉल्व आउट करें उसको। ठीक है, यानी कि आप ब्लाउज बना रही है, देख रहे हैं आपका आर्म होल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लूजिंग है, बहुत सारा ऐसे वैसे कोई बहुत सारा प्रॉब्लम होता है सीखने के वक्त होता है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग इसे लेकर पहले ब्लाउज़ को ख़त्म करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे एक्सपेरिमेंट कीजिए और थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, और कोई भी जिस जगह में आपको डाउट हो रहा है उसे बार बार अगेन एंड अगेन यू हैव टू डू दैट। ठीक है, यानी कि आपको बार बार वो चीज़ आपको करना है और आपको पकड़ना है क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि अगर आपको शोल्डर में प्रॉब्लम है तो शोल्डर के अंदर जाइए, देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं है चलो शोल्डर में प्रॉब्लम हो रहा है चलो हम क्या करें क्या करें, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी आपको सीखने के लिए, आप मानिए हम लोगों को भी पहले पहले ऐसा होता था, मगर मैंने एक्सपीरियंस से ये बात आप लोगों को कह रहा हूँ, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो उससे छोड़ना मत, उससे पकड़िए और सीखिए, उस जगह से आपको सीखना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा बात मैंने आप लोगों को बोल दिया है, जैसे कि जिसका जिस जगह में गलती हो अगर वो लोग वो गलती सुधारे तो उसका लाइफ बहुत दूर तक जाएगा। तो इसी तरह आप लोग जो सीख रहे हैं, ऑनेस्टली सीख रहे हैं, जो लोग आप नेट में देखेंगे बहुत तरह तरह का ये बनाया वो ये बनाया वो ये बनाया, ऐसे नहीं करना, आपको माइंड
स्टील कर यानी कि कॉन्सेंट्रेट करके आपको एक चीज ध्यान में रखकर सीखना है। कोई चीज नई दूर जा रहे है आपसे, आप जो सीख रहे हैं उससे पहले सीखिए, बाद में देखेंगे ऑटोमेटिकली आप बहुत कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जैसे कि मैंने ये पॉइंट रखा है पॉइंट फोर, इसमें आप लोगों को बहुत डाउट क्लियर करना है, तो इसलिए मैंने ये रखा है ताकि ब्लाउज इसी के साथ ख़त्म हो रहा है इस पार्ट के साथ। ठीक है, जो पार्ट नंबर फाइव है इसमें रखा है मैंने ब्लाउज का जो एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और दोबारा हम जो पार्ट सिक्स बनाएंगे फैशन डिजाइनिंग पार्ट सिक्स, उसमें शायद दूसरा कोर्स आएगा आप लोगों के लिए फ्रेंड, तो इसी के साथ आप लोग इसी तरह सीखते रहिए। आप देखेंगे फैशन डिज़ाइनिंग का जितना कोर्स है, आप पोर्टफोलियो बोलिए, कोई भी आप इंस्पायर, यानी कि हम एक पोर्टफोलियो बनाने के बाद जैसे कि एक ट्रेडिशनल कोई भी कंट्री का कोई कल्चर लेकर हम जो ड्रेस बनाते हैं वो भी हम आप लोगों को सिखा देंगे। साथ ही साथ जैसे कि कैसे थीम बेसिक हम ड्रेस तैयार करें, सारे आप लोगों को हम सिखा देंगे। आप इसी तरह सीखते रहिए और एक एक करके पकड़ते सीखते रहिए। तो आज के लिए ये फ्रेंड इतना सा ही बोलूँगा, और जाने से पहले और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्रिंट फ्रेंड तो तुरंत आप लोग हमारा नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसमें क्लिक करिए, और नहीं तो हमारा वीडियो ख़त्म होने से 20 सेकेंड पहले एक हमारा पिक्चर आएगा उसमें भी क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है जो हमारा वीडियो के ठीक नीचे लेफ्ट में, तो उसे भी क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्या बोलूँगा फ्रेंड, आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक का शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।